প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এ নমস্কার দোস্তো, কি হাল চাল। বিতে দিন ইন্টারনেট পে ইস বাংলাদেশি লড়কে কি ভিডিও খুব ভাইরাল হুই, জিসকো দেখকর এহসাস হুয়া কি হামারা দেশ বিলকুল ভি সুরক্ষিত নাই হ্যায়। আইয়ে পহলে ভিডিও দেখতে হ্যায়, ফির ডিকোড করেঙ্গে ভিডিও কে পিছে কি সাচ্চাই। শেষ সীমান্ত, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মানে সাইনবোর্ড টাঙানো, আর এই যে আমি এখন মানে কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাবো। তাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে। इस लड़के का वीडियो तब सुर्खियों में आने लगा जब इस लड़के ने बांग्लादेश टू इंडिया के एक कनेक्टेड टनल को दिखाया, जिसके थ्रू कोई भी इंसान उस पार से इस पार बड़ी आसानी से आ जा सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वीडियो में दो शख्स दिखाई देते हैं और ये बताते हैं कि अगर आना है तो आप अपने रिस्क पे आना, बीएसएफ की गोली का शिकार हुए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इस लड़के के वीडियो के थ्रू कई आतंकवादी का मन बढ़ेगा और ये इस टनल के थ्रू आएंगे या फिर आ चुके होंगे और आते रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश से कई माइग्रेंट बिना वीजा एंड पासपोर्ट के ऐसे ही टनल्स के थ्रू हमारे इंडिया में आ चुके हैं, जो देश को भीतर से खोखला कर रहे हैं। वही इस जैसे टनल से RDX, ड्रग्स और काफ़ी चीज़ें की तस्करी बड़ी आसानी से की जा सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब प्लीज़ इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक ये वीडियो पहुंचे और इस चीज़ पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना कल के डेट में हमारे देश के जवान पे भी इस तरह का हमला हो सकता है, जो कि बेहद दुखद होगा। जो इंडियन है, वीडियो ज़रूर लाइक करना और आपका क्या कहना है आपके रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।